हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना और आप सबका स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल पे। आज मैं बनाने वाली हूँ, सबको मुंह में पानी आ जाएगा सुनते ही, जिसका नाम है गार्लिक ब्रेड, जो आज मैं तवे पे बनाने वाली हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको बहुत ही पसंद आएगी। तो चलो सबसे पहले उसके इन्ग्रीडियंट्स देख लेते हैं। हमने बटर लिया है, पार्सली लिया है, चीज़ जो प्रोसेस चीज़ मैंने लिया है, ऑनियन और गार्लिक की पेस्ट ली है मैंने, मिक्स ड्राई मिक्स सब है, और चिली फ्लेक्स है। और ये मैंने फ्रेंच लोफ लिया है जो वीट का बना हुआ है, आप कोई भी ब्रेड ले सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम बटर को मेल्ट कर लेंगे माइक्रोवेव ओवन में 430 सेकेंड। आप देख सकते हो कि बटर मेल्ट हो चुका है, थोड़ा स्पून से उसको हिला देंगे तो मस्त एकदम मेल्ट हो जाएगा। तब हम एक मिक्सर बनाएंगे जहाँ पे हम बटर डालेंगे, अराउंड 2 टेबलस्पून जितना डाला है। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून मैंने अदरक और लहसुन की मैंने पेस्ट बनाई है, को मैं यहाँ पे मिला दूंगी, अच्छी तरह से मिला लेंगे। अभी मैं यहाँ पे 1 टीस्पून जितने मैं पार्सले डालूंगी, जो मैंने फ्रेश पार्सले ली है। अगर आपको ये नहीं मिल रही है तो आप धनिया भी डाल सकते हो, हरा धनिया भी डाल सकते हो। आप देख सकते हो कि ये मिक्सचर अभी रेडी है। अभी हमने 2 ब्रेड ली है तो यहाँ पे मैं उसको स्प्रेड कर दूंगी। इसको भी मैं स्प्रेड कर दूंगी। अभी मैं इसके ऊपर ये जो प्रोसेस चीज है वो डालूंगी। इसके अंदर कहीं पे भी हम नमक नहीं डालेंगे, क्योंकि चीज़ में भी नमक होता है और मैंने ये सॉल्टेड बटर लिया है तो बटर में भी नमक होता है। पैन रख दी है जिसके ऊपर हम ये गार्लिक ब्रेड पकाएंगे। अभी स्लो आंच पे इसको रखना है, तो हम उसके ऊपर अभी सारे ब्रेड्स रख देते हैं, ये गार्लिक ब्रेड। यहाँ पे हम ओवन का यूज़ नहीं कर रहे हैं। जनरली अगर आपके पास ऐसी पैन नहीं है तो आप जो जिस तवे पे रोटी बनाते हो उसको भी यूज़ करके ऐसा कोई ढक्कन उसके ऊपर ढक दोगे तो भी हो जाएगी। अभी उसको धीमी आंच पे पकने देंगे, जैसे चीज मेल्ट हो जाता है उसको निकाल लेंगे। आप देख सकते हो कि चीज मेल्ट हो चुका है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। पिंच ऑफ, आपको जितना तीखा पसंद इस हिसाब से आप चिली फ्लेक्स डाल सकते हो। तो चिली फ्लेक्स डाल दूंगी सबके ऊपर मैं। ये दिखने में बहुत ही, खाने में भी बहुत ही अच्छा लगता है और दिखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है, और छोटे बच्चे को तो बहुत ही पसंद आता है। यहाँ पर मैंने ड्राई मिक्स सब लिए हैं, वो भी आपको जिस तरह से पसंद है इस तरह से डाल सकते हैं, और आपको नहीं डालना है तो ये बिल्कुल भी ऑप्शनल है। जनरली क्या होता है कि मम्मियाँ बहुत कंसर्न होती है कि उसके बेटे या फिर घर वाले बहुत मैदा ना खाए, इसलिए यहाँ पे मैंने ट्राई किया है कि मैं गेहूं का आटे की बनी हुई लोफ लूँ। तो आपके ऊपर है, आपको मैदे का लेना है या फिर गेहूं का ब्रेड लेना है, तो जो भी आपकी पसंद है वो आप ले सकते हो। अब हम उसकी प्लेटिंग कर लेंगे। आप देख सकते हो कितनी डिलीशियस गार्लिक ब्रेड रेडी है, और मैं उम्मीद करती हूँ आपको और आपके बच्चे को ज़रूर पसंद आएगी। उसके घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये गार्लिक ब्रेड कैसी लगी। आपके और भी कोई सुझाव हुए तो आप मुझे लिख सकते हैं। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यस मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।